मेरे पास दो थर्मामीटर आए हैं, आज अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। ये ओल्ड थर्मामीटर है, अब इसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये केमिकल से चलने वाला है ये। और इधर जो है अपने को डिजिटल थर्मामीटर है जो 3 वोल्ट की बैटरी से चलने वाला है, छोटे शलह आते हैं ना उससे चलने वाला है। तो आप थर्मामीटर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, मतलब क्या डिफरेंस रहता है दोनों में, डिजिटल वर्सेस ये केमिकल वाला। और उसके अलावा थर्मामीटर बोलते किसको, रहता क्या इसमें, ये डिग्री सेल्सियस क्या है, फारेनहाइट क्या है, CEF, ये 10 क्या है, 40, 50 क्या है, पूरा देखेंगे। वीडियो आखिर तक देखो, पूरा समझ में आएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैसा भी सब्सक्राइब करो। ये ब्लू स्टार का AC है, अपने को सर्वर रूम में लगे हुआ है ये AC। अब सर्वर रूमों में, UPS रूमों में अपने को जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता, ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं ना गर्म नहीं होना बोले तो एक थर्मामीटर वगैरह रख के अपना AC कितना ठंडा कर रहा रूम को बोल के चेक करते। तो अब यहाँ पे दो ACs लगे हुए, टाइमर पे स्टैंड पे लगे हुए, थोड़ी थोड़ी देर को इन्हें थोड़ी देर चलता, उन्हें थोड़ी देर चलता, मतलब ACs को भी सेफ्टी रहती इसमें। टाइमर का तो एक अलग वीडियो है, वो देखेंगे अपन। खैर अब इस ये वीडियो में अपन क्या है, टेम्परेचर कैसा काम करने वाला है, अपने को कैसा चेक करते हैं टेम्परेचर, वो देखेंगे। एक तो ब्लू स्टार के AC में और वोल्टाज के AC में अपने को रिमोट में भी ऑप्शन रहता, यहाँ पे देखो टेम्परेचर बोल के बटन रहता, दिख रहा होगा। तो ये टेम्परेचर बटन अगर अपन दबाए तो अब सेट टेम्परेचर 18 है अपने को रूम टेम्परेचर जो है 20 आ रहा बताता है यहाँ पे। अब अपन सेट करें तो कितना है, 18 पे सेट करें अपन उसको। नीचे जो टेम्परेचर है ना यहाँ पे सिंबल आ रहा, देखो बीच में जो आ रहा है टेम्परेचर कितना है रूम का बताने के वास्ते। तो इसमें बटन रहता अपने को वोल्टास के और इसके ब्लू स्टार के AC में। और थोड़े AC में अपने को जहाँ ऑप्शन नहीं रहता वहाँ पे अपन थर्मामीटर से चेक करना रहता, एक पर्टिकुलर थर्मामीटर रख देते समझो चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है ये जो साइड है यहाँ पे अपने को थर्मामीटर ये मॉडल का है। तो आज थर्मामीटर क्या रहता, कैसा काम करता, आज देखने वाले ये वीडियो में आगे पूरी वीडियो कहीं को बना रहा हूँ बोले तो एक एंटिक थर्मामीटर मिला था मेरे को। मेरे पास ये जो साइड है ये साइड पे ये थर्मामीटर रखे हुआ है और मेरे पास एक डिजिटल भी है थर्मामीटर यहाँ पे। इसमें 20 डिग्री बता रहा, देखो 20 डिग्री सेल्सियस बोल के बता रहा। यहाँ पे भी देखो जो अंदर का लाल है ना लिक्विड वो यहाँ पे आके रुके हुआ है 21 पे रुके हुआ है। तो इसमें भी सही बता रहा 21 डिग्री सेल्सियस। तो अब थर्मामीटर रहता क्या, ये CEF क्या है बोले तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के वास्ते ही आता, टेम्परेचर को मेजर करने के वास्ते C डिग्री सेल्सियस, C मतलब F मतलब फारेनहाइट। अब इल्ला दोनों कौन तो तुरुम खाना थे उल्ला बना के गए सो ये टेम्परेचर को मेजर करने के वास्ते। अब जैसा अपन नॉर्मल अब ये मेजरमेंट करना है तो 1 फीट 2 फीट 1 मीटर 2 मीटर बोल के है ना, जैसा आप तोल में अपने को 1 किलो 2 किलो, लीटर्स में 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल जो सा रहता ना, तो उसमें अब अपने को टेम्परेचर चेक करने के वास्ते अपने को ऐसे थर्मामीटर ना रहते। तो थर्मामीटर कैलकुलेशन में डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट बोल के रहता। तो अब आमतौर पे एसीओ में अपने को ये सी का जो है ना डिग्री सी सेल्सियस वही यूज़ होता अपने को, फारेनहाइट बहुत कम। अब फारेनहाइट का अपन एक एग्जांपल क्या लेंगे बोले तो अब ये आप ना भी देखे चुंगे है, जैसा कि अब किसी को बुखार वुखार आया तो बोलते देखो 102 चल रहा बुखार, 103 बुखार है, फुल बुखार है बोल के बोलते नहीं, तो वही रहता है डिग्री फारेनहाइट से मेजर करके बोलते हो। थर्मामीटर रहता है डॉक्टरों का बोलते बगल में रख के चेक करके बोलते ना वाला 102 बुखार है वो बोल के। तो ये छे वो थर्मामीटर इस कुछ बोलते 20 40 60 80 100 120। तो इससे तो अपने को AC में अभी तो कुछ भी काम नहीं है, आमतौर पर AC जो है अपने पूरे डिग्री सेल्सियस से चलने वाले। कई को बोले तो अपने को टेम्परेचर जो रहता है इसके अंदर, अब देखो रिमोट ले रहा हूँ मैं, रिमोट में अपने को 24 25 26 30, तो लास्ट 30 है इसके अंदर। AC अगर आप लिए तो इसमें 30 से 32 तक आता थोड़े AC में, तो मतलब यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं 30 32। अब फिर यहाँ से बोले तो गर्मी है ये 35 डिग्री हो गया बोलो तो आदमी पागल होना शुरू हो जाते हैं 35 40 40 डिग्री, फिर ये 50 हुए बोलो तो फिर सऊदी वौदी वहाँ पर रहती इतनी गर्मी। तो अब ऊपर है सो गर्मी है ये 50 डिग्री सेल्सियस बोलो तो दबा के गर्मी, 40 बोलो तो तरह कम, 30 बोलो तो अपने इंडिया में आमतौर पर 30 ऐसा चलते रहता टेम्परेचर। तो अब AC लेके अपन क्या करते हैं, जो 30 डिग्री टेम्परेचर है उसको 20 पे 16 पे 18 पे लेके आते अपन। तो उसके वास्ते अपने को रिमोट में जो सेटिंग रहती है ना ये 30 29, थोड़े लोगों का क्या समझते 30 पे रखे तो ज़्यादा कूलिंग आती होंगी बोल के समझते, लेकिन ऐसा नहीं रहता, 30 बोले तो गर्मी है अपने को ये। तो अपने को सर्दी ठंडा कूल होने का है बोले तो कूल के लिए अपने को 20 22 19 18 17 ऐसा है। तो AC में अपने को लास्ट 16 डिग्री रहता,
जो टेम्परेचर रहता है 16 डिग्री, देखो यहाँ पे सी का सिंबल भी उतरा हुआ है, 16 डिग्री सेल्सियस अपन सेट कर दिया इसके अंदर। तो अब रूम में टेम्परेचर कितना है अपने को, अब फिल वक्त 22 टेम्परेचर है अपने को फिल वक्त। तो अब एसी ऑन होके क्या करता, अब ये जो 22 है ना, 22 को अब जितना अपन रिमोट से सेट करे 16, वो आके अपने को कूलिंग का एहसास देता समझो। तो खैर अपने पास ऐसा डिजिटल भी है तो इसको कंपेयर करके देख लेंगे। अब इसमें भी देखो 21.2 बोल के बता रहा, इसके अंदर भी 22-23 बोल के आ रहा, मतलब 1-2 डिग्री का फ़र्क है, लेकिन चल रहा बराबर, दोनों एक साथ चल रहे, सेम बता रहा समझो। एक बार उसका सही चल रहा है नहीं चल रहा एक बार एसी के अंदर डाल के देखेंगे इसको, मतलब एसी के सामने रखे तो क्या है, ग्रिल का जो टेम्परेचर रहता है एकदम बहुत कम रहता। अब बाहर अपने को रूम में तो 16 जो भी सट करे वो आता, लेकिन एसी का जो खरीब रहता ना वहाँ पे अपने को नॉन इन्वर्टर एसीओ में बहुत कम टेम्परेचर आता, 6-5 ऐसा आता अपने को टेम्परेचर। देखेंगे अब इसके अंदर ये ब्लू स्टार के एसी में कितना आ रहा और ये काम कर रहा नहीं कर रहा एग्जैक्ट। बीच में देखो लाल कलर का जो है ना वो नीचे उतर रहा नहीं उतर रहा देखेंगे। अब जब से 20 पे था एसी के सामने रखते कि नीचे उतर रहा, देखो अब देखो आ गया, देखो 10 डिग्री आ गया इसके अंदर, कुछ तो केमिकल है वो रिएक्ट करके इसको नीचे ले लेके आ रहा थर्मामीटर को, 10 डिग्री आ गया इसके अंदर। अब ज़रा टाइम लग रहा वो आने के वास्ते हल्लू, इसलिए बोल के पुराना है। अभी ये देखो अपने पास डिजिटल थर्मामीटर है ना, उसे चेक करेंगे। स्टीन बोल के आ रहा था जब से, इससे टेम्परेचर कितना आ रहा है देखेंगे। हाथ पूरा अच्छा ठंड बन रहा, कितनी कूलिंग आ रही थी इसके अंदर। अब अपने को ग्रिल टेम्परेचर 12-10 भी आ गया ना, रूम जबरदस्त चिल्ल आया था अपने को। कई को बोले तो अपन को 16 डिग्री होना है लेकिन आ रहा 10, ऐसा आ रहा बोले तो दबा के कूलिंग रहती हो। अब देखो इसमें 8-7 कम हो रहा है छोड़ा, इसमें हाथ पूरा छन बोल रहा, तो आराम से आती समझो, कूलिंग का कुछ भी नहीं है। तो वही अब अपने को जो सेट करें अपन टेम्परेचर, अब फिर से थर्मामीटर पे आएंगे अपन। अब अपन इस पे सेट कर रहे कितना, 20-21 या फिर 16-14 जो भी सेट कर रहे इसके अंदर, थोड़ा इसी में 14 का भी रहता ऑप्शन वोल्टास के पुराने मॉडलों में, तो 16 सेट करे या जितना भी सेट करे। तो अब उत्ता लाने के वास्ते अगर 60 नहीं चाहे अपने को बोले तो वो आए तक बहुत देर हो जाती, इसलिए एसी में क्या है अपने को इधर तक आता 7 डिग्री 6 डिग्री 5 भी आता इसके अंदर, 5 या नॉर्मल 10 ही समझ लो भाई, 10 आ गया बोले तो आराम से 16 डिग्री जो है अपने रूम में मेंटेन हो जाता हो, ओके अपने रूम को ठंडा कर देता तुम। तो आई होप के समझ में आऊँगा थर्मामीटर किसको बोलते हैं। मैं भी क्या है फर्स्ट टाइम देखा है थर्मामीटर, एकदम अच्छा दिखा तो बनाया। अब इसमें कुछ भी शैल नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चल रहा। देखो ये तो ये ले लेके अपन कहीं भी रख लेके चेक कर ले सकते, आके एक बार नज़र मान लियो तो एसी चल रहा नहीं चल रहा, नॉर्मल कूलिंग भी देख सकते, कूलिंग देखे तो ही मालूम है आता, लेकिन अब ये थर्मामीटर से देखे तो क्या और एग्जैक्ट अपन सेट करे मशीन को कितनी कूलिंग होना है। अपन नॉर्मल हाँ कूलिंग आ रही बोले ऐसा चले आते, अपने को 24 आई 26 भी आई तो क्या है कूलिंग आए वैसे दिखता, बाहर गर्म रहा अंदर आते, लेकिन अब ये मशीनों को कैसा रहता 22 डिग्री ऐसा 20 डिग्री होने का रहता। अभी 20 डिग्री होने का रहा बोले तो यहाँ आके देखना पड़ता आ रहा नहीं आ रहा 20 अपन सेट करे सो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा बोल के चेक करने का रहता। तो वही उसके लिए ये थर्मामीटर लगाए इसे। आई होप के समझ में आया होगा थर्मामीटर का यूज़ क्या है कैसा है। सो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।